Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video, you will get a notification on your phone. Now students, start karte hain exercise 1.2, question number 4. Given that HCF of 306 and 657 equal to 9, find LCM. तब इसका स्टूडेंट एलसीएम हमें फाइंड करना है. तो देखिए इसमें एक फॉर्मूला होता है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी ए और बी. तो अब इसका एलसीएम हमें स्टूडेंट फाइंड करना है. एचसीएफ दिया है 9 और दोनों नंबर दिए हैं, एक नंबर है 306 और एक नंबर है 657. तो LCM जो होगा स्टूडेंट्स, तो LCM इज इक्वल टू आ जाएगा 306 अपॉन 657 और इसको 9 से डिवाइड कर देंगे. तो 9 से जब इसको स्टूडेंट्स हम डिवाइड करेंगे तो देखिए 9 तिया 27 बचे 3, सो 9 चौको 36 इंटू 657. अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करने पर आएगा 22338. तो यही स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा, एलसीएम हमारा आ जाएगा 22338. अब इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है. तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका आंसर देखिए, इसमें ये कह रहा है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n. अब स्टूडेंट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 क्या है स्टूडेंट, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर. तो अब इसमें स्टूडेंट्स हमें ये बताना है कि जो 6 की पावर n है, क्या ये जो है इसका एंड 0 से हो सकता है या नहीं हो सकता है. तो अब इसमें स्टूडेंट्स हम ये लिखेंगे कि इफ द 6 की पावर n फॉर एनी नेचुरल नंबर या एनी n वर टू एंड विथ डिजिट 0 देन इट वुड बी डिविजिबल बाई 5. अब इसको स्टूडेंट देखिए आप लोग ध्यान से समझिए, सपोज करिए कोई नंबर है, अगर वो 0 से उसका एंड 0 से होता है. देखिए फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए 20 है, तो अगर 20 है, 30 है, 50 है, एक एग्जांपल है, ये तो मैं लिखना नहीं है. तो देखिए ये सब नंबर जो है 5 से डिवाइड होंगे. तो अगर किसी नंबर का एंड 0 से होता है तो उसका 5 से डिविजिबल होना ज़रूरी है. क्योंकि अगर हम मान लीजिए ये 12 लिखें तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा. तो इसलिए स्टूडेंट्स 2 से तो बहुत सारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे, वो नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएंगे जिनका एंड 0 से होता है. तो इसलिए उसका 5 से डिवाइड होना ज़रूरी है स्टूडेंट्स. तो ये आपके समझने के लिए था. तो वुड बी डिविजिबल बाई 5. तो अगर कोई नंबर, हमने इसमें यही लिखा है स्टूडेंट्स कि अगर 6 की पावर n अगर 0 से इसका एंड होता यानी लास्ट में इसके 0 आता तो इसको 5 से डिवाइड होना चाहिए था. लेकिन स्टूडेंट्स क्या है, जो 6 की पावर n है इसको हम लिख सकते 2 इंटू 3 की पावर n. तो इसका मतलब है कि इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है, इसमें 5 नहीं है, बट दिस इज नॉट पॉसिबल. बिकॉज द 6 की पावर n कंटेन द प्राइम फैक्टर्स
ओनली, टू एंड थ्री, नॉट फाइव. सो सिक्स की पावर एन कैन नॉट एंड विद द डिजिट जीरो. तो इसलिए स्टूडेंट्स हमें इसको इस तरीके से करना था, क्योंकि सिक्स की पावर एन हो या फोर की पावर एन हो वो भी सेम होगा. अगर फोर की पावर एन होता स्टूडेंट सिक्स की पावर एन की जगह, तो इसमें क्या होता कि उसका केवल फैक्टर प्राइम फैक्टर टू होता, तो उसका भी फैक्टर फाइव नहीं होता, इसलिए वो भी उसका भी एंड जीरो से नहीं होगा. अगर थ्री की पावर एन हो तो थ्री की पावर एन का फैक्टर क्या होगा, केवल थ्री होगा, उसका भी फैक्टर फाइव नहीं होगा. तो ऐसे जितने भी नंबर हैं जिनमें जीरो नहीं आता है, वो उनका एंड कभी जीरो से नहीं होगा स्टूडेंट्स. और स्टूडेंट्स हमें ये शो करना है कि एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर. तो स्टूडेंट्स कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके दो या दो से अधिक प्राइम फैक्टर होते हैं, उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं. तो अब ये स्टूडेंट जो पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिए आप, एक स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है. इसमें दो स्टेप स्टूडेंट्स दिए गए हैं और इन दोनों स्टेप में 13 कॉमन है. तो इसमें से हम 7 × 11 × 13 + 13, तो इसमें से स्टूडेंट्स हम 13 कॉमन ले लेंगे. तो ये हमारा 7 × 11 यहाँ बचा और प्लस 1 आ गया, तो ये हो जाएगा. अब ये हो गया 70 और एक ये हो गए 78. तो यहाँ पे हमें जो ये मिलेगा, तो ये आ जाएगा 13 × 2 × 3. तो स्टूडेंट्स ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि किसी भी नंबर के है ना, ये कंपोजिट नंबर है. यस, बिकॉज इट हैज मोर देन टू प्राइम फैक्टर्स, क्योंकि इसके मोर देन टू प्राइम फैक्टर्स हैं. एक 13 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया. अब इसके बाद स्टूडेंट्स ये हमारा है, दूसरा क्या है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5. अब इसमें से स्टूडेंट्स 5 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 + 1. अब इसका हमें जो है स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 5 हो गया, तो ये आ जाएगा 42, तो ये 12 × 2 = 24, तो ये हो जाएगा 4 × 2 = 8 और 4 × 4 = 16, 2 × 2 = 4 और 2 × 4 = 8, 8 × 6 = 10 = 0. ये आ जाएगा स्टूडेंट्स. तो अब इसका जो है, जब हम ये करेंगे, तो इसका देखिए ये जाएगा 7 × 6 = 42, फिर ये आ जाएगा 24 + 1. तो अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए हो जाएगा 5, इसका मल्टीप्लाई हमने किया है, ये आएगा 108 + 1, तो ये हो जाएगा 5 × 1009. ये आ गया स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट इसमें हो जाएगा यस. ठीक है, ये भी यस हो जाएगा, क्योंकि इट हैज़ टू प्राइम फैक्टर्स. यस, बिकॉज इट हैज टू प्राइम फैक्टर्स, क्योंकि इसके स्टूडेंट्स दो प्राइम फैक्टर हैं, इसलिए ये हमारा. अब स्टूडेंट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. तो इस क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट्स, कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड. सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम.
सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन अ सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसमें स्टूडेंट्स हमें एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा 18 और 12 का, 18 और 12। तो अब इसके 18 के फैक्टर हम कर देंगे तो ये आएगा 2 × 3 × 3 स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा इसका। और 12 के फैक्टर जो आएंगे वो आएंगे 2 × 2 × 3। तो इसका जो एलसीएम आएगा यानी इसको हम लिख सकते 2 × 3 की पावर 2 और इसको लिख सकते 2 की पावर 2 × 3। तो एलसीएम में जो हाईएस्ट पावर होती है प्रत्येक फैक्टर की उसको लिख देते तो 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 4 × 9। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट कितने मिनट, 36 मिनट इसका आंसर होगा, यानी 36 मिनट बाद फिर वो सेम राउंड स्टार्ट करेंगी। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना था स्टूडेंट्स हमें। थैंक यू।